हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एंड बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार अब इन्वेस्ट फॉरएवर हो गया है। सो अगर हम बात करें, अभी एक रिसेंटली वीडियो हमने डाली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर स्टॉक का पोर्टफोलियो, या कह सकते हैं ऐसे फोर स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, और अगर आप कुछ टाइम के लिए रख सकते हैं और 10 साल तक भी रख सकते हैं इस शेयर को, और रखते हैं तो बेहतरीन रिटर्न्स, इवन आप करोड़पति बन सकते हैं, मल्टी मिलेनियर बन सकते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, ऐसे स्टॉक्स, इतने दमदार स्टॉक्स हैं। तो इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है ताकि आप मार्केट के बारे में सीख सके, मार्केट एग्जैक्टली है क्या उसे सीख सके। एक एक वीडियो को जाके देखिए किस तरीके से स्टडी की जाती है, उस चीज को देखिए, और सीखने के बाद आप मार्केट में करेंगे, और 6 महीने अगर सीखने में देते हैं उसके बाद आप मार्केट में करते हैं तो अच्छा खासा पैसा आपका मार्केट में बनता है, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट है, क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन होगा, कोई चार्जेस नहीं होगा। और बात करें आज की डेट की वीडियो की, तो आज हम वीडियो में क्या बताने वाले हैं, हम देखिए जो बिगनर आते हैं मार्केट में, तो उन्हें पता नहीं रहता कि हम डेटा को कैसे फेच करें, हम इवेंट्स को कैसे देखें, हम कैसे पता लगाए कि इवेंट्स कैसे, कैसे हम रिजल्ट को फेच करें, कैसे हम डेटा को फेच करें, कैसे बल्क डील को फेच करें, बल्क डेटा को फेच करें, शेयर प्राइस को किस तरीके से देखें, न्यूज को किस तरीके से देखें, ये सारी चीजों से रिलेटेड आज बात होगी, और आपको बताया जाएगा कि एग्जैक्टली आप किस तरीके से यहाँ पर एक एक चीजें अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज करके आप अच्छा खासा डेटा यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे स्टडी करके आप अच्छा खासा पैसा मार्केट से बना सकते हैं। तो आइए वीडियो को देखते हैं और एक एक करके यहाँ पर सब चीज सीखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहले गूगल की पे जाएंगे, ये आपका गूगल है, और यहाँ पर आप सर्च इंजन पे यहाँ पर जैसे कि आपको किसी शेयर का प्राइस देखना है, तो आप जैसे कि अगर बात करें इन्फोसिस यहाँ पर डाल दीजिए, शेयर प्राइस यहाँ पर नीचे आ गया, तो यहाँ पर क्लिक किया तो आपके पास आ जाएगा शेयर प्राइस, किसी भी शेयर का यहाँ पर डालिए, और उस मामा आगे लिख दीजिए शेयर प्राइस, यहाँ पर आप एनएससी बीएससी भी डाल सकते हैं, उसमें आपका क्या रहेगा, कभी कभी एनएससी में जो कंपनी लेट लिस्ट होती है बीएससी में पहले लिस्ट हुई रहती है, तो उससे आपको एक डेटा आ जाएगा और पता चल जाएगा, उसका कोड आ जाएगा यहाँ पर, देखिए BOM कोड, और इस तरीके से आप 1 day 5 day 1 month 6 month year till date 1 year 5 year मैक्सिमम, मतलब कब से कंपनी यहाँ पर लिस्ट है, उस तरीके से आपको एक डेटा मिल जाएगा। मतलब 95 पैसे का शेयर हुआ करता था 1996 में, 1574 का शेयर है, इस तरीके से आप पता कर सकते हैं, एक चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, और चार्ट पैटर्न आपको अगर ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है तो आप समझ सकते हैं कि वो शेयर काफी बेहतरीन शेयर होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा और भी कुछ चीजें देखनी होती है तो इस तरीके से आप पहले तो यहाँ पर शेयर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इस शेयर के रिलेटेड और भी कुछ चीज देखने की, तो यहाँ पर यहीं पर रिसर्च करिए गूगल पे एनएससी सर्च करेंगे तो ऐसा आएगा, तो आपको कहाँ पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ऊपर क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर आपका ये इस तरीके से एक फॉर्मेट आ जाएगा, और यहाँ पर इक्विटी है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करके जिस भी शेयर से रिलेटेड आपको डेटा चाहिए, जैसे कि अगर बात करें इन्फोसिस की ही ले लेते हैं, तो इन्फोसिस में यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ लिखा, यहाँ पर इन्फोसिस का पूरा डेटा आ गया। अब इवेंट कैसे देखने हैं कि कौन से इवेंट कब हुए हैं, कौन से इवेंट आने वाले हैं, तो सबसे पहले अगर बात करें पीई रेशियो देखना है, तो पीई रेशियो सिंबल क्या है, वो इंडेक्स पीई क्या चल रहा है, वो आईटी से रिलेटेड शेयर है, वो सब चीज़ यहाँ पर पता चल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये FNO में है कि नहीं है, इस चीज़ से आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। और अगर हम डेटा देखना चाहते हैं, देखिए 52 वीक लो यहाँ पर पता चल जाएगा, 52 वीक हाई पता चल जाएगा, मार्केट कैपिटल पता चल जाएगा, फेस वैल्यू पता चल जाएगा, तो यहाँ पर आपको काफी चीजें पता चल जाएगी। और उस एक पर्टिकुलर डे में जिस दिन मार्केट ने ट्रेड हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन, तो यहाँ पर क्लिक करते साथ आपको पता चल जाएगी टोटल क्वांटिटी में कितना ट्रेड हुआ है, एज वेल एज डिलीवरी बेसिस पे, मतलब आपको नेक्स्ट डे या फिर कुछ टाइम के लिए कितनी डिलीवरी उस परसेंटेज में उठाई गई है वो आपको पता चल जाएगा। बाकी जो इंट्राडे किया गया है वो कितना किया गया है वो डेटा यहाँ पर आ जाएगा। और भी अगर बात करना चाहते हैं, यहाँ पर कंपनी इन्फॉर्मेशन पे गए, ये ट्रेड स्नैपशॉट था। अगर बात करें कंपनी इंफॉर्मेशन में गए यहाँ पर, तो यहाँ पर और डेटा आ जाएगा। इसमें अगर बात करें यहाँ पर कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। अगर मैं यहाँ पर देखिए डेली बायबैक ऑफ क्वांटिटी शेयर्स, मतलब यहाँ पर आपको पता चल जाएगी कि बायबैक से रिलेटेड यहाँ पर चीजें शुरू हो गई है। ओके, यहाँ पर प्रेस रिलीज क्या हुआ है, कंपनी क्या कर रही है, उस चीज से रिलेटेड यहाँ पर डेटा दिया होगा। इस फाइल को कैसे निकालना है वो फाइल मैं अभी आगे बताता हूँ। इसके अलावा बात करें यहाँ पर फाइनेंशियल रिजल्ट,
कब आ रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा, कंपनी ने डिविडेंड कब दिया है ये पता चल जाएगा, कंपनी ने कितनी बार कब कब डिविडेंड दिया है या फिर बोनस कब दिया है, कब बायबैक लाया है, इस तरीके की न्यूज भी यहाँ पर एक्स डेट में आकर आपको पता चल जाएगी। और शेयर कोई गिर भी है या नहीं है वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, इस मतलब कितने परसेंट के शेयर प्रोमोटर्स के पास है उसमें से शेयर कितने गिर भी है, यहाँ पर अगर कुछ होगा तो यहाँ पर ये शेयर गिर भी रहते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल रिजल्ट आपको कुछ पता चल जाएगा, दिसंबर में ये थे, मार्च में ये है, इन लैक्स में है ये रिजल्ट। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर प्रोमोटर्स के पास, पब्लिक के पास कितने परसेंट की होल्डिंग है, ये सब चीज आपको पता चल जाएगी यहाँ पर नॉर्मली अगर हम बात करें। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और भी चीज की, तो एनएससीई की साइट पे अगर आपको देखना है कि एक पर्टिकुलर डे में या फिर पिछले 3 महीने में या 6 महीने में कितनी उसमें क्वांटिटी उठाई गई है, तो उस चीज को अगर हमें पता करना है तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट है, यहाँ पर प्रोडक्ट पे क्लिक किया, प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट पे आए और यहाँ पर देखिए इक्विटीज, यहाँ पर इक्विटीज पे क्लिक किया, इक्विटीज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हिस्ट्री पे गए और हिस्ट्री पे ही गए या फिर यहाँ पर आप अलग अलग चीजें देख सकते हैं, एफआईज का डेटा हो गया, यहाँ पर इन चीजों को पढ़ लीजिए तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि हमें एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड ये पता करना है कि उस शेयर में कितनी डिलीवरीज उठाई गई है एक या फिर पिछले कुछ दिनों में किस तरीके से यहाँ पर शेयर ने मूव किया है उसे देखना है, तो देखिए सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम यार किस, तो वॉल्यूम को आपको देखना है कि कितने वॉल्यूम उठाया गया है, तो यहाँ पर आ गया डेटा, यहाँ पर एंटर सिंबल, तो यहाँ पर जैसे क्लिक किया, क्लिक करने है कोई भी शेयर का नाम लिया जैसे बाटा, बस बाटा इंडिया आपको पता ही है, आपको कितने दिन का डेटा चाहिए उसको यहाँ पर क्लिक करें, जैसे 7 days, 2 week, 1 month, 3 day, 3 months, आपको 365 days का चाहिए या 24 महीने का चाहिए, तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्लिक करके कुछ भी चूज करके 2 week चूज किया और यहाँ पर डाल दिया गेट गेट डेटा, तो यहाँ पर गेट डेटा में आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि पिछले 2 week में मतलब 10 दिन के अंदर अंदर, 11 दिन के अंदर अंदर कौन कौन सी चीजों में कितना मतलब कितनी डिलीवरी यहाँ पर उठाई गई है, कितने शेयर उठाए गए हैं, कितनी क्वांटिटी में उठाए गए, कितने टर्नओवर हुआ है, वो सब चीज आपको होती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कभी एबनॉर्मल या फिर कभी ज्यादा डिलीवरीज तो नहीं उठाई गई, जैसे कि अभी अगर बात करें कुछ दिन पहले रिलैक्सो में ऐसा होता हुआ दिखाई दिया था, अगर हम डेटा को निकाले तो यहाँ पर देखिए 95% की डिलीवरी, उसके बाद शेयर आपको 10 से 1% भागता हुआ भी दिखाई दिया, तो इस चीज से आपको एक आइडिया आ जाएगा, तो इस चीज को देख लीजिए। और बाकी बहुत सारी चीजें हैं तो इसमें कारिस्तानी करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और अगर बात करें जैसे कि अभी हमने देखा था कि इन्फोसिस का में ये तो पता चल गया कि बायबैक होने वाला है या फिर डेटा पता चल गया, बट उसे निकालना कैसे है उस फाइल को, तो यहाँ पर बीएससी पे गए, बीएससी की साइट पे अगर हम जाते हैं और यहाँ पर कोई भी शेयर का नाम लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे कि लिख दिया इन्फो एज, तो इन्फो एज हमने डाल दिया, तो इन्फो एज डाल दिया, तो यहाँ पर देखिए या तो आप यहाँ जा सकते हैं जो ऊपर दे रखा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये सब चीज के बारे में दे रखा है, यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर डेटा आ जाएगा, आप क्या करना चाहते हैं, मतलब आपके आपको पर्टिकुलर कंपनी के रिजल्ट कब आए हैं, ये जैसे कि रिजल्ट आए हुए हैं, कंपनी ने कोई कॉर्पोरेट एक्शन किया है या फिर कंपनी का कोई अपडेट है, तो इस चीज़ से रिलेटेड आपको यहाँ पर नॉलेज मिल जाएगी पहली बात, या फिर आप सिंपली यहाँ पर जैसे कि हमने इन्फो इन्फोसिस डाल दिया, यहाँ पर देखा तो इन्फोसिस डाल दिया, तो यहाँ पर नीचे गए थोड़ा सा, तो यहाँ पर कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट जो दे रखी है, अनाउंसमेंट आई है बायबैक की, तो यहाँ पर क्लिक करके इनका डेटा वगैरह या फिर इनकी फाइल्स यहाँ पर क्लिक करके आप जाके पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर से आप निकल सकता है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर किसी भी जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि रिजल्ट से रिलेटेड अगर रिजल्ट आ चुके हैं तो वहाँ पर रिजल्ट से रिलेटेड पता चल जाएगी आपको, और उस उधर से रिजल्ट आप निकाल सकते हैं या फिर कॉर्पोरेट एक्शन में जाके आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, या फिर आपको देखना है कि किस कंपनी के रिजल्ट आ गया आ रहे हैं, तो यहाँ पर बीएससी ओके, यहाँ पर रिजल्ट कैलेंडर जो यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर, तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो ऊपर ही ऊपर आ रहा है इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर जिस भी कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं वो आप देख सकते हैं, एक एक करके इनके कोड प्लस में इसका नाम यहाँ पर सिक्योरिटी नेम और ये डेट, तो इसके वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं किस किस कंपनी के यहाँ पर रिजल्ट आने वाले हैं और कब कब इस यहाँ पर रिजल्ट आने वाले हैं। तो अगर जैसे लास्ट में गए तो आपको पता चलेगा कि रिजल्ट किसके भी आने वाले हैं, यहाँ पर इन्फोसिस के भी रिजल्ट आने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो इस चीज से आप एक एक करके रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इन्फोसिस के रिजल्ट और भी बहुत सारे, बजाज फाइनेंस ने डाल दिया, HDFC AMC ने डाल दिया, तो इन कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं, इस चीज से आप क्या अंदाजा से लगा सकते हैं, इन कंपनी में अभी से इन्वेस्ट करके आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं इस तरीके से। तो ये हो गई रिजल्ट से रिलेटेड कॉर्पोरेट एक्शन किस तरीके से करना है। अब बात करते हैं डेटा कैसे फेच करना है।
अब जैसे कि हम देखते हैं FIs DIs का डेटा, जैसे कि डेली वाइज आता है, तो यहाँ पर गूगल पे टाइप करिए FIs एंड DIs डेटा, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप दो तरीके से डेटा देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें पहला पहला जो NSE वाली साइट है, यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगी कि डेली वाइज FIs ने FPIs ने कितना 25 तारीख को कितना बाई किया, कितना सेल किया, और उसमें से सेलिंग कितना है, बाइंग कितना है, DIs ने कितना बाई किया, सेल किया, तो आपको यहाँ पर एक डेटा पता चल जाएगा, जैसे कि आपने यहाँ पर देख लिया। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर पीछे जाते हैं, जो हमने टाइप किया था FIs एंड DIs डेटा, यहाँ पर अगर हम बात करें NSE की छोड़ के अगर मनी कंट्रोल पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या पता चल जाएगा, पर देखिए वहां पर तो एक दिन का डेटा पता चला था, बट यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर FIs का डेटा है, ये DIs का डेटा है, ये डेट है, यहाँ पर ग्रॉस परचेज है, यहाँ पर हर दिन का डेटा आपको मिलेगा, जून में कितने भी दिन किसने बाइंग सेलिंग हुई है वो आपको पता चल जाएगा, हरे में जो ये बाइंग है जो रेड में है ओके वो आपको दिखाई दे रहा है सेलिंग का DIs FIs में। इसके अलावा बात करें ये आपको किस महीने का चाहिए वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, मई अप्रैल मार्च फेब जैन दिसंबर नवंबर, तो इस तरीके से एक एक करके आप किसी भी ईयर का भी मंथ वाइज का यहाँ पर डेटा निकाल सकते हैं। बाकी यहाँ पर ऊपर दे रखा है, यहाँ पर से आप एडिट करके मंथ ईयर यहाँ पर डाल के अच्छा खासा डेटा निकाल सकते हैं। ये आपका हो गया फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कितना हुआ है वो आपको पता चल जाएगी, बिक वाली है सेलिंग है, तो यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड एंड सेबी ने कितना किया है, FIs सेबी ने यहाँ पर किस तरीके से परचेज किया है वो आपको एक आइडिया आता हुआ दिखाई दे जाएगा, ईयरली बेसिस पे क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर आपको बताई दिया है, क्वार्टरली बेसिस पे आप किस तरीके से यहाँ पर चेक कर सकते हैं हर चीज। इसके अलावा बात करते हैं पर्टिकुलर डेटा कैसे फेच करते हैं, तो अगर हम बात करें दो साइट मैं मोस्टली यूज करता हूँ, दो की जगह तीन साइट का नाम बताऊंगा, तो उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें ये क्लिक किया मार्केट मोजो, मार्केट मोजो पे गए और किसी भी शेयर में हमने क्लिक किया, जैसे इन्फोसिस, हमें देखना है इन्फोसिस ने पिछले कितने रिटर्न दिए हैं या क्या उसका मार्केट कैप है, आप फोन में यूज करेंगे तो आपको अच्छे से यहाँ पर दिखाई देगा मार्केट कैप कितना है, ये सब चीज आपको दिखाई देगी, बाकी यहाँ पर इसके टेक्निकल्स क्वालिटी जो भी वैल्यूएशन यहाँ पर आपको सब चीज पता चलती हुई नजर आएगी, बट मोस्टली मैं इसे केवल यूज करता हूँ किसके लिए, रिटर्न के लिए कि इसके ने कितने परसेंट के रिटर्न कब कब दिए, जैसे 1 day 1 week 6 month 3 month 6 month किस तरीके के यहाँ पर रिटर्न देते हुए नजर आए, आपको सेंसेक्स से कंपेयर करके पता चल जाएगा कि सेंसेक्स ने 190% के रिटर्न दिए 10 साल में और इंफोसिस ने 340% के, तो इस तरीके से एक आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये मार्केट मोजो एक साइट है, इसे आप प्रिफर करें। इसके अलावा अगर आपको देखना है और भी बहुत सारी चीजें, तो यहां पर अगर बात करें जैसे कि इंफोसिस आपने या फिर यहां पर मनी कंट्रोल पे गए, यहां पर आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल, तो मनी कंट्रोल यूज कर सकते हैं, इस मनी कंट्रोल पे जाके यहाँ पर कोई भी शेयर का नाम डाल दिया जैसे इंफोसिस या फिर कोई भी दूसरा कोई भी एक शेयर पर्टिकुलर शेयर जो आपको अच्छा लगता है यहाँ पर डाल दीजिए, और डालने के बाद यहाँ पर इसका पूरा का पूरा डेटा आता नीचे की तरफ आप आएंगे तो डेटा नजर आता हुआ दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसके फाइनेंशियल्स है, यहाँ पर आप फाइनेंशियल्स इसके देख सकते हैं, आउटकम इनकम बैलेंस बैलेंस शीट ये सब चीज कैश फ्लो यहाँ पर कंसोलिडेट स्टैंड अलोन यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन में जाके यहाँ पर आपको पता चल जाएगी कि क्या क्या अनाउंसमेंट है, बोर्ड मीटिंग कब कब है, डिविडेंड कंपनी ने कभी अनाउंस किया है तो कितनी बार अनाउंस किया है यहाँ पर सी मोर करके और देख सकते हैं, बोनस कितनी बार कंपनी ने दिया है यहाँ पर सी मोर करके कितनी बार बोनस दिया है वो पता चल जाएगी, स्प्लिट कब कब हुआ है ये पता चल जाएगी, राइट इशू कब लाया है, AGM EGM कब हुई है, तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें आपको पता चलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर आपको देखना है कि प्रमोट किसकी होल्डिंग कितनी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हुई है ज्यादा हुई है ये पता चल जाएगी, इसमें से कोई प्लेजिंग तो नहीं है, प्लेज होगा तो यहाँ पर हर अक्षर में आ जाएगा कि इतने प्लेजिंग है, तो ये चीजें आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं, इस चीज को यहाँ पर से आप जाके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ डेटा देखना है तो एक साइट है स्क्रीनर, तो स्क्रीनर पे अगर आप गए तो यहाँ पर आपको रियल बेसिस पे रियल बेसिस मतलब एक दिन छोड़ के आपको डेटा अपडेट होता हुआ दिखाई देता है। अब जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया TCS, तो TCS पे हमने अगर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए कैसे यूज करना है स्क्रीनर, उसके लिए अलग वीडियो बना रखी है, वो आई बटन पे लिंक दे दूंगा, क्लिक करिएगा आप उस वीडियो को जाके आपको पता चल जाएगी। बाकी अगर बात करें कैसे जैसे TCS डाल दिया तो यहाँ पर कुछ ऑलरेडी अपडेटेड आता आएगा, अपना अकाउंट बनाइएगा, बहुत सारे रेशो होते हैं वो यहाँ पर से ऐड कर दीजिएगा, किस तरीके से करने ऑलरेडी बताया है। यहाँ पर अगर बात करें मार्केट कैप दिखा देगा, पी रेशो ROCE कितने परसेंट के ROCE यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज दिखा देगा, इन यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इनकी वेबसाइट पर आपको सीधे ले जाएगा
TCS की। इसके अलावा यहाँ पर आप चार्ट पैटर्न देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50 DMA और 200 DMA का यहाँ पर वो भी दे रखा है एवरेज की। यहाँ पर क्लिक करके आपको पता चल जाएगी कितने एवरेज पे चल रहा है, जिससे पता चल जाता है कि बाइंग सेलिंग का मौका कब है कब नहीं है। यहाँ पर इनकी पीयर्स कंपनी के बारे में दे रखी होती है, यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट दे रखे होते हैं जो मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि सेल्स कब हुई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट जो हर चीज हर वीडियो में हम आपको बताते हुए दिखाई देते हैं, ईपीएस कितना है वो सब चीज, प्रॉफिट और ईयरली बेसिस पे किस तरीके से रेवेन्यू आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ पर सब चीज आप देख सकते हैं। बैलेंस शीट की बात करें, यहाँ पर रिजर्व्स कब है, किस किस क्वार्टर में कितने रिजर्व्स थे, कितने बोरिंग थी, बोरिंग घटी है बढ़ी है वो सब चीज, यहाँ पर फिक्स एसेट बढ़ी है घटी है वो, CWIP में कितना काम, इन्वेस्टमेंट, कैश इक्विवेलेंट, यहाँ पर अदर एसेट में जाके अलग अलग चीजें यहाँ पर देख सकते हैं, कैश फ्लो कंपनी के पास कितना है, रेशो क्या चल रहा है, मतलब ROC कितना है, डेटर डेज कितना है, इन्वेंट्री टर्नओवर कितना है, ये सब चीज आप यहाँ देख सकते हैं। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ देख सकते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर इनके पास कितने कितने शेयर है यहाँ पर देख सकते हैं, FIs ने कितने ले रखे हैं, DIs ने, मतलब किस किस कंपनी ने किस किस ने यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। बात करनी है यहाँ पर ही जैसे LIC पे अगर हम क्लिक कर देंगे तो आपको पता चल जाएगी LIC ने किस किस में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो इससे आपको एक ये आइडिया लग जाएगा। तो आई थिंक लगता है कि आज के दिन के लिए बहुत है, आपको बहुत सारा डेटा आप इस तरीके से फेच कर सकते हैं और आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं और एक एक करके जिस शेयर से रिलेटेड आपको पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए वहां पर उनके कॉर्पोरेट एक्शन, उसके प्राइस, उसके वैल्यूएशन, उसका पी रेशो, उसकी बैलेंस शीट, ओके, एज वेल एज के भी बोनस दिया है कि नहीं दिया है, उसमें प्लेजिंग तो नहीं है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं और आपका एक मोटा मोटी सब चीज आपको समझ में आती हुई दिखाई देगी। तो आई थिंक आपके लिए काफी बेनिफिशियल वीडियो रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, दूसरों के साथ भी शेयर करिए, दूसरे लोगों को मार्केट में लेके भी आइए और उन्हें हमारे चैनल को रेफर करिए ताकि वो सीखे और सीखने के बाद यहाँ पर अच्छा खासा पैसा मार्केट में बने। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।